अरे क्या हुआ था? हम लोग कल रेड फोर्ट पे थे, ड्यूटी पे थे, तो काफी सारे जो लोग थे वो रेड फोर्ट का दरवाजा खोल के अंदर घुसे। हम लोग भी इनके साथ साथ अंदर गए। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपर पे चले गए ऊपर। हम लोग भी इनके साथ रैंपर पे गए, इनको रैंपर से हटाने की कोशिश कर रहे थे। और जब हम इनको रैंपर से हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहां पे। और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे इन लोगों के पास। इनके पास तलवारें थी, भाले थे, फरसे थे, कई और सारी चीजें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया। हमारे कई साथी घायल हो गए। उसमें से एक हमारा साथी था, उसको सर पे बहुत ज्यादा इंजरी थी। वो लगभग कोलैप्स होने की पोजीशन में था, तो मुझे लगा इसको अभी लेके निकलना बहुत जरूरी है। तो मैं उसको लेके निकलना था, और मैं क्या भी रहा था, इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले, उन्होंने फिर एक उसको भी नहीं देखा, और जो भी हो सकता था इनके पास लाठी डंडे तलवार, उससे हमला कर दिया। मैं बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तो काफी सब बहुत सारे ब्लोज हेलमेट में झेल गए। लेकिन एक बार में तलवार सी मारी किसी ने, तो हेलमेट टूट गया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया था। फिर मुझे पता नहीं किया, तो रेस्ट्रेन किया आप लोगों ने? वो रेस्ट्रेंट हम लोगों का था। हम लोग का यही भी था कि सारे लोग किसान हैं, सारे फार्मर्स हैं, कोई इस तरह के हेलमेट नहीं है, और हम किसी भी तरह का फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। और हमने बिल्कुल अटमोस्ट रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर हम लोग फोर्स इस्तेमाल करते तो बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हो सकती थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो जितना रेस्ट्रेंट हो सकता था हमने सारा इस्तेमाल किया। हम लोग, हमारे बहुत सारे साथी घायल भी हुए, लेकिन हमने फिर भी कोशिश ये करी कि हम लोग किस तरह की जवाबी कार्रवाई ना करें इन पर, और सिर्फ इनको रोकने की कोशिश करें, और जवाबी लाठीचार्ज या कुछ और चीज़ ना करें इन पर। तो इसी कोशिश में बहुत सारे हमारे साथी घायल हुए हैं, बहुत सारे लोग चोट है। ठीक है।